अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंड्स। टाइप्स ऑफ बैंड्स क्या चीज़ है, बैंड्स क्या चीज़ है और इसकी जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बैंड, सबसे पहले वेलेंस बैंड, फिर कंडक्शन बैंड, फिर कंप्लीटली फिल्ड बैंड, फिर फॉरबिडन बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या होता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना शेल के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बनाते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म वैलेंस बैंड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बनाते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो वैलेंस बैंड होते हैं ना, ये कौन सा बैंड होता है? वैलेंस बैंड हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड होता है। वैलेंस बैंड इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड, ठीक है। अब वैलेंस बैंड कभी एम्प्टी नहीं होता, ये पार्शली फिल्ड होता है, ठीक है। ये ना कभी पूरा भरा होता है ना कभी सारा खाली होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड आखिरी बैंड होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म वैलेंस बैंड और ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड है। फिर दूसरे नंबर पे है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब हमने कंडक्टर पढ़ा ना कंडक्टर, तो अब कंडक्टर में हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग की वजह से है। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं तो कंडक्टर बनता है और इसकी वजह से कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये उससे नीचे वाला बैंड है, ठीक है, और कंप्लीटली फिल्ड बैंड, इसका आप लिख दे बिलो द वैलेंस बैंड, अबव द कंडक्शन बैंड, अबव द वैलेंस बैंड। अब कंप्लीटली फिल्ड बैंड क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड बैंड वैलेंस बैंड से नीचे वाला जो बैंड होगा वो होगा कंप्लीटली फिल्ड बैंड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो पूरी होती है, ये होते हैं कंप्लीटली फिल्ड बैंड। और फॉरबिडन बैंड क्या होते हैं? फॉरबिडन बैंड को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, ये जो बैंड होते हैं ना ये खाली बैंड होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये खाली बैंड होता है फॉरबिडन बैंड, ठीक है। जो परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स हमने पढ़ी थी ना, ये वो इसकी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। अब ये फॉरबिडन बैंड और ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड। अब जो फॉरबिडन बैंड है इसका मकसद क्या, ये बनता कैसे? जब एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहां से जंप करके यहां पर आता है, इधर ये वाला जंप करके इधर आ गया, तो ये यहाँ पे गैप क्रिएट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड कहेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे होल, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन बैंड, ठीक है। तो सारी ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी, ये होते हैं बैंड। और इसकी एक और एग्जाम्पल वैलेंस बैंड के, कंडक्शन बैंड की। सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप होता है, इन बिटवीन होता है, और कंडक्टर के केस में ये ओवरलैप होते हैं, और इंसुलेटर के केस में इनके दरमियान ह्यूज गैप होता है, ठीक है। तो ये थे इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।